ये कहानी उस दौर की है जब हॉकी में भारत का परचम लहराता था। ये वो दौर था जब किसी इंसान को उसके दमखम और दबदबे से नहीं बल्कि उसूलों से जाना जाता था। ये वो दौर था जब मुल्क के बंटवारे के घाव ताजा थे। अभी भी बहुतेरे ऐसे हैं जिनकी आंखें सरहद के पार अपने खोए आशियानों को याद कर नम हो जाती हैं। ये वो दौर था जब भारत एक था। किसी ने भी कभी एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की कल्पना भी नहीं की थी। जब सरहदें नए सिरे से तय की गईं, तो खून के दरिया को पार कर बना पाकिस्तान। तब हॉकी ही बहुतों के लिए अकेली रोशनी थी। कई बार खेल काबू से बाहर होते हालात से उबरने का सबब बन जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो पूरी शिद्दत से हालात को राहे रास्त पर लाना चाहता था। अक्सर हालात अलग ही करवट लेकर अलग ही फलसफा लिख देते हैं। बहुतों के लिए प्रतिपाल सिंह हालात के ही शिकार थे। मेरी ऐसी हस्ती कहां कि मैं उन्हें आंक सकूं। फैसला आपको ही करना है। ਉਹ ਬਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਜੱਟ ਦੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਬੁਰੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਧੂਮ 4 ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੱਟ ਦੀ ਧੂਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਕੁੱਕੜ ਮੇਰਾ ਕੁੱਕੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ।
ठीक है जी, ओके जी, वाहेगुरु जी। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी। हॉकी लेजेंड, ओ मैडम ये तो वही स्टोरी है ना जो तुसी मेल की थी सी, ओ प्लेयर प्लेयर वाली। हाँ जी सर, बट कुछ डिटेल्स पता चली थी मुझे तो मैंने इसमें ऐड कर दी। पर चलो मेन मुद्दा तो जी वही है ना, आप आए हो फौरन से, यहाँ की मार्केट कहाँ समझोगे हैं? सर बट द स्टोरी इज वेरी हैवी ऑन माय इमोशंस। ना 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 ना, इमोशनल नहीं होना जी, इमोशनल नहीं होना। देखो फिल्म बनाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, दो रखने हैं हीरो, तीन रखने हैं कॉमेडियन, दो ते तीन पांच रखने हैं गाने, ते दारू दा एक गाना पा दो फिल्म हिट है। बट सर कंटेंट, ओ की हुंदा है सर? सब्जेक्ट स्टोरी, स्टोरी तो जी गाने दे हिसाब नाल कर दो ना, नहीं तो ऐ करो कोई हिंदी फिल्म चको प्राणियों नु एज इट इज टेप दो। बट सर दिस इज अ ट्रू स्टोरी। देखो जी लोगों को सच ना दिखाओ जी, हैं जी सपने दिखाओ, डिमांड सपनों की है, अब सपने चाहे नए हो चाहे पुराने की फर्क पैंदा है। हुण ना गुरुदत्त ना बनो, एक करण चोर बनो जी। देखो गुरुदत्त ने सुसाइड कीती है, इन्हें विआह भी नहीं कराया जी, समझते हो ना जी? जी समझ गई। हाँ जी, थैंक यू, सत श्री अकाल जी, चलती हूँ। कुछ चाह ठंडा जी? जी नहीं थैंक यू। वैसे तुसी न्यूयॉर्क रहने हो ना जी? न्यूयॉर्क अमरीका जी। ते जे उत्थे किसे नू सैटल कराना होवे तां कोई हैगा हिसाब किताब? आ जाऊंगी मां, कोई माहौल खराब नहीं है, यहाँ पे सब ठीक है। माँ पास्ट को कभी छोड़ भी दिया करो ना, कल जाना है मैंने मिलने। हाँ एक आदमी तैयार हुआ तो है उसके बारे में बात करने के लिए, अब देखते हैं। चलो कोई तो माना, आपको भी अभी ऑफिस जाना होगा और मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट माँ, अभी लेट नहीं है। कोई नई बात नहीं है, खेल में पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स में खेल, बस हर बार पन्ने बदल जाते हैं। खैर आप बताएं जी, वो प्रतिपाल जी क्या करेंगे जानकर? किसको याद है सरदार साहब जी? अगर कोई भी बात नहीं करेगा तो शेर थे सरदार साहब, पेनल्टी के एक्सपर्ट, इतनी जोर से हिट लगाते थे कि सामने वाले ने अगर पैड ना पहने हो तो पैर बेकार। डरते थे लोग, खौफ दिखता था उनकी आंखों में। फिर से? अभी थोड़े दिन पहले ही तो मंगवाए थे। सर डायरेक्टर साहब आप फील्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, एक तो उनके हाथ रॉड की तरह पतले और भारी हैं, ऊपर से हॉकी भी भारी पकड़ते हैं। पृथ्वी जी क्या कहते हैं वो? जी मैं उनसे बात करने गया नहीं। अगर आप बात करें तो नहीं रहने दो। मंगवा लो। बट राजेश जी आप तो तब की बात कर रहे हैं ना जब प्रतिपाल जी डायरेक्टर यूथ वेलफेयर थे, उससे पहले का कुछ? देखिए मैम आपको मैं उतना ही बता सकता हूँ जब से मैं उन्हें जानता हूँ। आप एक काम करें, आप ये, हाँ बेदी साहब का कार्ड रख लीजिए, ये एकेडमी में उनके साथ ही थे जी। थैंक यू जी। साहब सो रहे थे, दवा खाई थी तो। ओ नहीं आप उठ गए, बस आने वाले हैं जी। जी नमस्ते। सिट डाउन सिट डाउन, इट्स ओके सिट डाउन। जी आई एम सो सॉरी, आपको
मेरे कारण। No, no, it's okay, it's okay. What would you like to have? जी कुछ नहीं। मैडम के लिए कॉफी। ओ सॉरी, कॉफी और टी। जी कुछ भी। मैडम के लिए चाय लाओ और हमारे लिए भी चाय लाना। वैसे तो डॉक्टर ने मना किया है एसिडिटी की वजह से। चलो आप चाय ले आओ। ठीक है जी। हम भी पी लेंगे। तो आप फिल्म बना रही हैं? जी। पृथ्वी पाजी पे? जी। जैसे पान सिंह पे और मिल्खे पे बनी है? जी। गुड गुड। हां जी, तो कहां से शुरू करें? जी शुरू से। शुरू से। पृथ्वी पाजी वॉज जेम ऑफ अ प्लेयर। मैं स्कूल में था जब वो कॉलेज की तरफ से हॉकी खेलते थे। पेनल्टी उनके पास आ गई तो कभी नहीं हुआ कि गोल ना हो। फिर एकेडमी ज्वाइन की। मैं एथलेटिक्स में था पंजाब पुलिस की तरफ से। उस दिन मैं ऐसे खुश हुआ जैसे कि किसी बच्चे को खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। खुशी इस बात की नहीं थी नौकरी मिल गई, बल्कि इस बात की थी कि उस मजबूत कलाई को पहली बार इतनी पास से देखा था। और लाऊं पाजी? रेंद, नाम क्या बताया तूने अपना? जी अभी तो बताया नहीं जी। जी शिंगारा, बड़ी देर से इच्छा थी जी आपसे बात करने की और आज देखो। कोई नहीं, अब तो एकेडमी में है। जी बैठते हैं कभी। जी पाजी, खुल के कल बात करते हैं। सोया नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी पाजी, बस आपकी याद आई तो आपसे बात करने का मन किया। पाजी आपको नहीं किसी की याद आती? जुतियां काड़े कोई
माँ हम घर कब जाएंगे? प्रीति पुत्र अब ननकाना नहीं, अमृतसर में ही हमारा घर है। पर ननकाना तो पास में ही है, हम जा सकते हैं ना? हाँ ये शहर तो पास में है पर ये देश बहुत दूर हो चुका है। क्या हुआ पाजी? वो आदमी हमेशा खुश रहता है जो ना कभी पास्ट के बारे में सोचता है और ना कभी फ्यूचर के बारे में। पृथ्वी पाजी से ननकाना बहुत दूर हो गया था पर पृथ्वी पाजी कभी ननकाना छोड़ नहीं पाए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 60s में इस चीज की शुरुआत हो गई थी जब इंडिया पहली बार ओलंपिक्स हारा था। इंडिया हर अभी तो किससे? किससे? कैंपो फोंटान स्टेडियम तैयार है रोम ओलंपिक के हॉकी फाइनल के ऐतिहासिक मुकाबले के लिए। पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ पर शानदार गोलकीपिंग। शंकर लक्ष्मण भारत के गोलकीपर बहुत चुस्त। छोटे पासेस से खेलती हुई पाकिस्तान की टीम और दो नंबर की जर्सी में नजरें गड़ाए रखी है प्रतिपाल अपना पहला ओलंपिक्स खेलते हुए। बहुत चुस्त बहुत मुस्तैद प्रतिपाल बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए। क्या यहां भारत कुछ कर पाएगा? लेकिन ये पाकिस्तान का अटैक डेंजरस हो सकता है। नासिर के पास बॉल और वो तेजी से गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। शंकर लक्ष्मण के पैच में से बॉल निकल गई और ये गोल। भारतीय रक्षा पंक्ति हताश हैरान परेशान। और ये मैच के अंतिम क्षण और पाकिस्तान की ओलंपिक्स में पहली विजय। पाकिस्तान हर्षोल्लास के साथ वहां पर मौजूद ये नजारे सब कुछ बयां करते हुए। कप्तान मैं एक बार फिर ननकाना हार गया। सर सर ये क्या हो रहा है सर मेरे साथ? आप तो अच्छे से जानते हो कि मैं इसे ज्यादा डिजर्व करता हूं। आपको मेरी गेम का भी पता और मेरी स्टडी का भी। आई डोंट डाउट योर टैलेंट प्रिथी। फिर क्यों सर अभी तक मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? आपने ओलंपिक्स में मेरी परफॉर्मेंस देखी है और मैं MSc हूं एग्रीकल्चर और जो लोग मेरे से ऊपर की पोस्टों पर बैठे हैं दे डोंट इवन नो हाउ टू राइट अ ब्लडी एप्लीकेशन। कंट्रोल योर इमोशंस एंड योर वॉइस टू। मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। वो तो दिख ही रहा है सर कि आप क्या कर सकते हैं।
भाजी, बंगाल के साथ मैच की तैयारी है पूरी, बड़ा मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं नहीं खेल रहा। क्यों भाजी, क्या हुआ? आपके बिना हम क्या करेंगे? आप तो हमारे पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हो। अब तक मैं सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हूँ, अब तक मुझे डीएसपी बन जाना चाहिए था। वो मना कर रहा है सर, सबने मना के देख लिया। तुमने बात की? वो नहीं मानेगा सर। चाहता क्या है? वो तो नहीं पता, बस खेलना नहीं चाहता। टीम किसी के चाहने या ना चाहने से नहीं बनती। वो पंजाब पुलिस की टीम का प्लेयर है, अगर वो खुद नहीं आएगा तो हमारे तरीके से आना पड़ेगा। अब भी नहीं खेलोगे? मैंने खेलने से मना नहीं किया था, मैंने पंजाब पुलिस के लिए खेलने से मना किया था। डोंट बी स्टबन, तुम पंजाब पुलिस के प्लेयर हो, देखते हैं कब तक। एक बार सोच लेते। सोचा नहीं होता सर, तो ये लेटर आपके हाथ में नहीं होता। रिजाइन देकर कहां जाओगे? नॉर्दर्न रेलवे। आप तो मन बना ही चुके हो, तो ऑल द बेस्ट टू यू टू। कॉन्ग्रेट सर फॉर अ विन। I won a match, but I lost a man. ये पढ़ा है आपने? अखबार वाले हमारी सिलेक्शन की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि हमने प्रीतिपाल को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। फिर सिलेक्शन कमेटी ने क्या एक्सक्यूज दिया? उसने पंजाब पुलिस छोड़ दी है। हम पर पहले भी ये इल्जाम लगते रहे हैं कि इंडियन टीम में पंजाब पुलिस के अलावा प्लेयर्स इतने कम क्यों? उसकी परफॉर्मेंस कमाल की है, तुमने उसे सिलेक्ट ना करके बहुत बड़ी गलती की है अश्वनी। पाजी, उन्होंने तो अनु टीम च रखना ही पड़ेगा। वी वॉन्ट हिम बैक इन द टीम। दम रखियो, दम रखियो जवानो, दम रखियो, दम रखियो, दम रखियो जवानो, दम रखियो।
दम रखे हो, दम रखे हो जवानों, दम रखे हो, दम रखे हो, दम रखे हो जवानों, दम रखे हो। रात गमों की टल जाएगी, जीत में हार बदल जाएगी। रात गमों की टल जाएगी, जीत में हार बदल जाएगी। दम रखे हो, दम रखे हो जवानों, दम रखे हो, दम रखे हो, दम रखे हो जवानों, दम रखे हो। कप्तान, मैं तो बॉल को गोल पोस्ट के 3 मीटर के आसपास भी नहीं आने दूंगा। और वैसे भी हमारे पास अपना फॉरवर्ड भी तो है, बंधु। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कैसे हो अहमद? ठीक। सलाम वालेकुम। तो बंधु प्रिथी, ये है अहमद और ये है मंसूर। मंसूर ये है प्रिथीपाल सिंह। इन जनाब की गेम से तो सन 60 में मुखातिब हो गए थे, अब इनसे भी हो गए। ये सरदार तो ठीक है, ये तो अच्छा ही खेलेगा, लेकिन ये मद्रासी ये क्या करेगा चरणजीत? अरे कोई बात नहीं, मेरे गांव का है, ऐसी कोई बात नहीं। भाईजान हम तो वैसे भी दुआएं देने के लिए आए थे, आपका मैच जो है कल, और वैसे भी सन 60 में जो हुआ उसके बाद आप लोगों को दुआओं की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। खुदा आपकी सांसें बरकरार रखे, क्योंकि कल के मैच में हम आपको बहुत दड़ाने वाले हैं। ये क्या नक्शे पर दौड़ लगा रहे हैं? चलो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। और हाँ, कोई भी गलती से हमारी ओर आने की जरूरत मत करना, वरना बहुत मारेंगे। अपनी खैरियत चाहता है तो चुपचाप अपने रूम में चला जा, नहीं तो तेरा नक्शा बिगड़ जाएगा। अब बात सुनो, कल मद्रासी भगाने वाला है तुम सबको। मजा आएगा। गोल्ड मेडल, 32 गोल्ड मेडल, 36 गोल्ड मेडल, फिर 48 गोल्ड मेडल, 52 गोल्ड मेडल, 56 गोल्ड मेडल। मुझे पता है कि हिंदुस्तान में और कुछ परफेक्ट हो कि ना हो, लेकिन हमारी हॉकी परफेक्ट है। जब से ओलंपिक में हॉकी शुरू हुई है, गोल्ड मेडल पर सिर्फ हमारा हक है, सिर्फ हमने जीता है। मैं ये भी जानता हूं और मुझे भरोसा है तुम सब पर कि अगर तुम उनसे 10 बार खेलोगे तो सिर्फ 1 बार वो जीत पाएंगे, 9 बार तुम जीतोगे और वो 1 बार हो चुका, जब पिछली बार हमने सिल्वर मेडल जीता था। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आज क्या होगा, जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ओलंपिक फाइनल मैच हुआ है तब तब ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए एक युद्ध से कम नहीं था, उनके लिए पूरा युद्ध था। जब जब हमने कोई मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तब वो मेडल हमने अपने लिए नहीं
उस हिंदुस्तान के लिए जीता है, हिंदुस्तानियों के लिए जीता है। तुम सब, मुझे पता है तुम सब चैंपियन हो, लेकिन विजेता कैसे होता है कोई? ये सिर्फ जीत है जो एहसास दिलाती है तुम विजेता हो, तुम चैंपियन हो। और ये जीत हमें एहसास दिलाएगी कि हम चैंपियन हैं। ये मैच, आज का फाइनल मैच, ये पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ये पार्टीशन के बारे में भी नहीं है। ये मैच ननकाना के बारे में भी नहीं है। मुंडियों उठो, थकना नहीं है, आज ऐसी गोल्ड मेडल जीत के जावांगे। बोले सोनिया। भारत पाकिस्तान एक बार फिर फाइनल में मिलते हुए टोक्यो के कामाजावा पार्क में दर्शक खचा खच भरे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान की टीम्स ग्राउंड में आती हुई। भारत के कप्तान चरणजीत और पाकिस्तान के आतिफ अंपायर से मिलते हुए। भारत की टीम एकजुट एक अहम मैच में 1907 की हार का जवाब भी देना चाहेगी आज के दिन भारत। मैच शुरू होता हुआ हरबिंदर का पहला पास। दोनों टीम्स एक दूसरे की कमजोरियां ढूंढने में लगी हुई हैं। खेल आगे बढ़ता हुआ और चेहरे मायूस होते हुए आशा की किरण अभी भी मौजूद। बंधु के पास बॉल और उनकी ड्रिबलिंग काबिले तारीफ। पाकिस्तान के प्लेयर काफी थकते नजर आ रहे हैं मैदान पर। पाकिस्तान के नासिर थक कर खड़े हो गए। सांस फूल गए, अब हमारी तरफ आए ना तो भगा भगा के मारेंगे, थका थका के मारेंगे। अब प्रतिपाल की बारी। पाकिस्तान के डिफेंडर के स्टिक के ऊपर से निकलते हुए प्रतिपाल। थोड़ी बहुत गर्म जोशी मैच में नजर आ रही है और बिल्कुल निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि ये है भारत बनाम पाकिस्तान। प्रतिपाल के पास बॉल और वो आगे बढ़ते हुए। बहुत ही कांटे का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ। भारत बनाम पाकिस्तान, गर्म जोशी चारों तरफ। बंधु कमाल की कलाबाजी और ये चरणजीत के पास बॉल और बहुत करीबी हमला हो सकता था। भारत गोल की खोज में अभी भी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का अटैक। ये पाकिस्तान का बेहतरीन अटैक और उतनी ही बढ़िया गोलकीपिंग वहां पर शंकर लक्ष्मण। प्रथिपाल सिंह के पास एक बार फिर गेंद। पाकिस्तान से बॉल छीनी। ओ क्या मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या भारत 1907 का बदला यहां पर ले पाएगा? और वहां पर येलो कार्ड पाकिस्तानी प्लेयर को दिखाते हुए। जद्दोजहद जारी। प्रथिपाल सिंह क्या कर पाएंगे? उनके पास है गेंद। गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए। आतिफ का शोल्डर चार्ज। अगली बार ऐसे खड़ा नहीं रह पाएगा तो। खेलते हुए ना बोल सरदार, सांस फूल जाएगी। एए! अपने इस गुस्से को ग्राउंड के बाहर नहीं, ग्राउंड के अंदर निकाल। थका दे सालों। और इसी के साथ पहले हाफ का अंत। We'll be right back.
हरविंदर और इंदर बॉल लेकर अटैक करते हुए शोल्डर चार्ज और यहाँ पीसी हो सकता है, यानी कि पेनल्टी कॉर्नर और अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दे दिया। प्रिंसिपल के लिए बेहतरीन मौका, उनका गोल मैच जिता भी सकता है भारत को यहाँ पर। ये वो शाम यहाँ जहाँ हर एक हॉकी प्रेमी दिल थाम कर बैठा हुआ है। प्रिंसिपल तैयार, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंडर के पैर पर बॉल लगी और ये स्ट्रोक हो सकता है और अंपायर ने स्ट्रोक का इशारा किया। और यहां पर मोहिंदर लाल तैयार, पाकिस्तान के गोलकीपर तैयार, सुनहरा मौका मोहिंदर लाल के पास, एक मौका हीरो बनने का। नर्वस मोमेंट्स, ये वो मोमेंट्स, प्रिथिपाल सिंह पसीना बहता हुआ और पूरा भारतवर्ष सुन रहा होगा रेडियो पर इस मैच की कमेंट्री, और जो आप इसे लाइव यहां पर देख रहे हैं, ओ ये सुनहरे लम्हे, ये वो लम्हे जो आप जिंदगी भर जीना चाहेंगे। 1960 का बदला यहां पर भारत लेना चाहेगा। मोहिंदर लाल तैयार, पाकिस्तान के गोलकीपर तैयार, क्या मोहिंदर लाल कर गुजरेंगे वो कारनामा जिसकी भारत को यहाँ पर जरूरत है। आप कर बैठिए, जी हाँ ये वो लम्हे जिसका भारत को 4 साल से इंतजार था। इस दफा पासा पलट गया, भारत के खाते में जीत और पाकिस्तान के जिम्मे हार। 1960 का बदला ले लिया गया है, 1964 के ओलंपिक गोल्ड विजेता भारत। दम रखे हो, दम रखे हो जवानों, दम रखे हो, दम रखे हो, दम रखे हो जवानों, दम रखे हो। रात गमों की टल जाएगी, जीत में हार बदल जाएगी, दम रखियो, दम रखियो जवानों, दम रखियो, दम रखियो, दम रखियो जवानों, दम रखियो। जश्न मनाएंगे, हिम्मत ना हार जाना यारो, हम जीत के जश्न मनाएंगे। पैरों में आसमां होगा बस उम्मीद ना अपनी कम रखियो, दम रखियो, दम रखियो जवानों, दम रखियो, दम रखियो, दम रखियो जवानों, दम रखियो। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी सिलेक्ट की हुई टीम जरूर जीतेगी, तुम भी इस टीम का हिस्सा हो। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी इस टीम में सिलेक्शन मेरा बिल्कुल सही निर्णय था। आज पूरे देश के साथ साथ मुझे भी तुम पर गर्व है। कांग्रेचुलेशंस प्रीति। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने देश को गोल्ड मेडल जितवा सका। मुझे खुशी इस बात की भी है
कि जिस इंसान ने मुझे टीम से निकालना चाहा, आज उसे इतना तो मालूम पड़ गया कि मुझे भी हॉकी खेलना आता है। प्रतिपाल सिंह की हॉकी मैच का रुख भी बदल सकती है और लोगों की सोच भी। तो आप उनके साथ थे? मैं उनके साथ ही था 64 के ओलंपिक्स में। जब इंडिया जीतकर वापस आए तो हर तरफ खुशी थी। इंडिया ओलंपिक्स में जीता था, यह कोई छोटी बात ना थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। पर जब पृथ्वी घर आया तो पुत्र जी, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? आखिर हम पर भी कोई जिम्मेवारी है। पता नहीं कौन सा ऐसा समय आया कि तेरे बड़े भाई की शादी तो हुई, बच्चे भी हुए और वो गुजर गया। और तेरा छोटा भाई, उसकी शादी भी नहीं हुई और वो गुजर गया। और अब तुझे यहाँ बहुत मन दुखी होता है, बहुत मन दुखी होता है। साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? अरे उसकी किस्मत में तो औलाद का सुख परमात्मा ने नहीं लिखा। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बाप ना बन सके। पुत्र जी, हम तुम्हारे माँ बाप तो नहीं, पर रिश्तेदार होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज तो बनता है। पुत्र जी, मान लो हमारी बात और कर लो दूसरी शादी। पुत्र जी, कर लो दूसरी शादी। कितना कुछ लिख दिया अखबार वालों ने। वैसे मैच था भी बड़ा जबरदस्त, तुमने पढ़ा? नहीं, पर सुना बात कुछ। अच्छा, क्या लगता है तुझे, कर लूंगा दूजा ब्याह? जब आप जाने के लिए तैयार हो रहे होते हो ना, तो मेरा बड़ा जी करता है मैं अपने बच्चे को तैयार करूं, लाल रिबन से उसका जूड़ा बनाऊं, उसके तस्मे बांधूं, पर कोई ना, हौसला रख। मैंने उसे हॉकी खेलने का मौका दिया। प्रतिपाल को बनाने वाला मैं हूं। मैंने उसे ओलंपिक टीम में शामिल किया, लेकिन उसने वहां जाकर खिलाड़ियों से मारपीट की, झगड़ा किया, बदतमीजी की, और अब वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। मुनीर सैथ, रजिंद्र कृष्टी, अजीत पाल सिंह, बलवीर सिंह 1, बलवीर सिंह 2, बलवीर सिंह 3, हरबिंदर सिंह, हरमीक सिंह, इनाम उर रहमान, इंदर सिंह, कृष्णा मूर्ति पैरूमल,
जॉन विक्टर पीटर तरसेम सिंह मैक्सिको में जाने वाली ओलंपिक्स टीम के कैप्टन होंगे प्रिथीपाल सिंह। और गुरबख्श सिंह और कितनी बार गुस्सा उतारोगे पृथ्वी पर? किस बात का गुस्सा? उसके पंजाब पुलिस छोड़ने का, और गुरबख्श को कैप्टन क्यों बनाया? गुस्से वक्त जी, गुरबख्श एक टैलेंटेड प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग, सारी टीम को साथ लेकर चलेगा वो। अच्छा, 64 के ओलंपिक्स में पृथ्वी ने 11 गोल किए थे, याद है ना आपको? और जो झगड़ा किया था वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और बाकी सब ये पृथ्वी किसी की नहीं सुनता। किसी की नहीं सुनता या सिर्फ आपकी? अश्विनी जी, मानता हूं कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर है पृथ्वी, पर क्या सिर्फ पेनल्टी एक्सपर्ट होने की वजह से हम उसे टीम का कैप्टन बना सकते हैं? मैक्सिको सिटी के दौरे पर गई भारतीय टीम ऐसी थी जिसकी अगुवाई दो कप्तान कर रहे थे, यानी मुसीबत का पूरा इंतजाम था। ओछी सियासत, अहम की लड़ाई और खेमेबाजी से टीम बुरी तरह टूट चुकी थी। मैक्सिको ओलंपिक में भारत ने बेहद शर्मनाक आगाज किया। भारत अपने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड से हार गया। 48 वर्षों में ओलंपिक में भारत की ये महज दूसरी हार थी। ईस्ट जर्मनी पर बेहद करीबी मैच में जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल का टिकट तो पाया, लेकिन अभी और बड़ा झटका झेलना बाकी था। भारत को ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में 1-2 से हार झेलनी पड़ी। ओलंपिक इतिहास में ये पहला ऐसा मौका था जब भारत हॉकी फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहा। Pretty, Captain. A bronze medal for India? That's a surprise. Just a bronze for a gold medal team? We tried our level best. Just one more question, though. Is it because the team had two captains and we had a unity on the team? The Olympics are over. At least for me. But yes, we failed our nation. तमाम चेहरों को देख रहे हो? इन चेहरों पर मुहर छप चुकी है कि ये उस हॉकी टीम का हिस्सा है जो ओलंपिक फाइनल तक नहीं पहुंच सके, और ये सब आपकी उस दो कैप्टनों वाली पॉलिसी की वजह से हुआ है जिसने टीम को दो हिस्सों में बांट के रख दिया। क्यों किया आपने ऐसा? जवाब है आपके पास। लोग आपको भूल जाएंगे, हमें भूल जाएंगे, लेकिन इस हार को कभी नहीं। अपने ना सिर्फ इस गेम को बल्कि इस देश को, तमाम हिंदुस्तानियों को धोखा दिया। आपको शायद एहसास नहीं, लेकिन ये गेम, ये देश आपके अहंकार से कहीं ऊपर है अश्विनी सर। और एक बात, आप आज जहां तक भी पहुंचे हैं सिर्फ हॉकी की वजह से पहुंचे हैं, वरना आप एक मामूली पुलिस ऑफिसर के अलावा और कुछ भी नहीं।
आप गुमसुम से अच्छे नहीं लगते, गुस्से में तमतमाए ज्यादा अच्छे लगते हो। इस खेल ने आपको दुश्मन तो बहुत दिए होंगे, लेकिन इसके बाहर आपके अपने भी हैं। अगर आप इसे बांट लेंगे तो आपके साथ साथ उन्हें भी खुशी होगी। आपकी जिंदगी सिर्फ ग्राउंड तक सीमित नहीं है, उसके बाहर भी है। आप मुझे मत भूलिए, मैं भी तो हूं। छोटे के जाने के बाद मैंने तुझे ही अपना भाई माना। जानता हूं पाजी, पर आप इतने परेशान क्यों हैं? इतने सारे गोल किए अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मेरी जिंदगी का गोल क्या है, समझ नहीं पा रहे। पर पाजी आप अच्छा भला तो खेल रहे हो। नहीं है, मैच के दौरान हमें सामने वाली टीम से भिड़ना पड़ता है, लेकिन कौन जानता है कि मैच के पहले हर बार मुझे अपनी ही टीम, अपने ही सिलेक्टरों से भी भिड़ना पड़ता है। पाजी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, बहुत हो गया, चलता हूं। पाजी पाजी आपकी हॉकी छूट गई। पाजी छूट नहीं गई, मैंने हॉकी छोड़ दी। मैक्सिको ओलंपिक प्रतिपाल के लिए एक बुरे ख्वाब जैसा था। वो इसे जल्द से जल्द भुलाकर आगे बढ़ना चाहता था। उसके पास हॉकी को अलविदा कहने के अलावा और कोई रास्ता बाकी न था। बदलाव की नीयत से उसने तालीम को करियर के तौर पर चुनने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी जिंदगी के बदलने की, और वो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना के कैंपस में पहुंच गया। यही वो जगह थी जहां उसकी मुलाकात तेज तर्रार स्टूडेंट लीडर यादविंदर से हुई। साथ ही यही वो मिला जींद के हरप्रीत और जतिंदर से भी, लेकिन इनसे मुलाकात के बाद ही उसकी जिंदगी एक अलग ही मकाम की ओर बढ़ चली। आज मुझे हॉस्टल में घुसने से रोका गया है, कल को कहेंगे क्लास विच एंट्री बैन है, फिर कहेंगे यूनिवर्सिटी में नहीं घुस सकते। हम फीस देते हैं तो ये यूनिवर्सिटी चलती है, और हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप ही में से एक हूँ, आप ही का स्टूडेंट लीडर। आज मुझे हॉस्टल में घुसने से रोका गया है, हम इसका सामना करेंगे, मिलकर चुप नहीं बैठेंगे। जिस किसी को डर लगता है वो रहने दे। तो हम चुप नहीं बैठ सकते, हम कुछ करेंगे। मजाक थोड़ी ना यादविंदर को रोकना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, यादविंदर सही। जवाब देना पड़ेगा उसको। हाँ बिल्कुल सही। बहुत कुछ सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में। यूनिवर्सिटी का माहौल खराब मत करो, मैंने तुम्हें मौका दिया था,
स्टूडेंट लीडर बनने का, तो मुझे मौका मत दो। क्या ये लड़ाई झगड़े स्ट्राइक? इन लड़कों को बोलो अपने अपने क्लासरूम में जाएं, और तुम आज के बाद तुम्हारे बारे में एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना वरना क्या सर? क्या लेट हो गए? रात को ठीक से सो नहीं पाया। देखो प्रीति, ये अच्छा नहीं हुआ। मतलब? यादविंदर, अभी 2 ही महीने हुए थे उसकी शादी हुए। जवानी के जोश में स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां कर ही बैठते हैं, पर क्या? खुल के बोलिए। यादविंदर की लाश भट्ठे से मिली है। लाश? यादविंदर? Excuse me, are you blaming me? देखो प्रीति, तुम दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पूरी यूनिवर्सिटी जानती है, और अब क्या? अपना ध्यान रखना। तो इसमें इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? वजीफे रोक दिए गए हैं मेरे सारे, सबके सब। पर मैनेजमेंट ऐसा कर क्यों रही है? वो मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मेरी सिलेक्शन नहीं ना हुई तो मेरा आगे पढ़ना मुश्किल है। तूने जिन से बात की? अभी तक तो नहीं की है। लो आ गया। और जिंद वीरे, की हाल चाल? बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। ये बारात कहाँ इकट्ठी की हुई है? किसी की शादी पे जा रहे हो क्या? बारात तो नहीं हो, फौज है मेरी, फौज। अच्छा अच्छा, फौज है मतलब जमीन पे कब्जा लेने का इरादा है? ओए, कब्जा लेना नहीं, छुड़ाना है। क्यों भाई? चलेगा साथ में? ओ नहीं नहीं, तू जा, मुझे जरा डायरेक्टर साहब से बात करनी है। क्यों? ओ यार, यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। ओए चलो, तो आज की स्ट्राइक इसके नाम भी करवा देंगे। फिर हो जाएगी सिलेक्शन। ओ नहीं नहीं, रहने दे यार, मैं खुद बात कर लूंगा। चलो ठीक है, तू तो चलेगी ना मेरे नाल? जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे। सर जी, अच्छा प्लेयर हूं मैं, आप जानते हैं। आपने मेरी गेम देखी है ना नेशनल्स में, कितनी अच्छी गेम खेली थी जी मैंने। इसके बावजूद भी मेरा यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सर जी गेम जान है मेरी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए। आप प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए सर, प्लीज। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ। ये लड़का तेरे वाले हॉस्टल में ही रहता ना? जी सर जी। समझाए सर, रोजी स्ट्राइक। तेरा ग्रुप है तू संभाल, सिलेक्टर को मैं संभालता हूँ। ठीक है सर जी। कल सवेरे जल्दी आना। ओए बंदे काम कर रहे यार। अच्छा वो छोड़, सुन क्या कहा डायरेक्टर ने? कुछ नहीं भाई, बोला बात करके बताएंगे। बात करके बताएंगे? अरे वो क्यों तेरी सिलेक्शन करवाएगा हरप्रीत? हमारे साथ जो रहता है तो हॉस्टल में। और सुन, तेरे को पता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट वाले लड़कों को पसंद करता है, और तू तो हमारे ग्रुप में है यार। हरप्रीत यार टेंशन मत ले, चल छड़ यार, चल दारू पीते। तेरानू धोखा देनिए नी, कीड़े पैणगे तेरे, कीड़े पैणगे नी मुन्ना। हाँ भैया जी। सुनना यार, एक अच्छी सी अंडा भुर्जी बना के मेरे रूम में ले आ।
भैया जी अभी ला रहा हूँ, ये दे आऊं। हाँ ज्यादा देर मत करियो, ठीक है भैया। ओए बात सुनो। हाँ भैया जी। क्या है उसमें? मुर्गा है भैया। मुर्गा है? जितेंद्र पाजी ने मंगवाया, वो हॉकी वाले नहीं है। डाल दे इसमें। भैया उनके लिए लाया हूँ मैं। डाल दे थोड़ा। लो बड्डे पीस डाल। ओए जा, अभी बोलना हमने ले लिया। ठीक है चलिए चलो फिर शुरू करिए प्रोग्राम। अच्छा सुन। हाँ भाई जी। दो सोडे ले और। जी भाई जी। और गल सुन। जी भाई जी। चिकन इतना कम क्यों है भाई जी? हरप्रीत भाई जी ने ले लिया था। कौन? वो हैंडबॉल वाले। अच्छा लेट दें, रुक जा। जी भाई जी। ऐसा कर थोड़ा और दिया उस कमरे में। जी भाई जी। हमारे लिए काफी है इतना। चलो जी वड्डे वड्डे खिंचिए। मुन्ना। हाँ सर जी। किसके लिए? हरप्रीत पाजी के लिए। जाऊं? एक बात है यार, ये मुन्ना चिकन बड़ा स्वादी बनाता है। क्यों? और ये जितेंद्र भी सही बंदा निकला, एक बार बोला अगले ने चिकन भिजवा दिया। अबे यार फोटो। शेम ऑन यू। ये हॉस्टल का रूम है या याशी का अड्डा? बे यार पंगा पड़ गया। सारे उतार दी यार। ओए पेक बना यार। जतिंदर भी ना, चिकन तो भेजा, चिकन के साथ साथ वार्डन को भी भेज दिया। अब क्या करेंगे? वो छुप छुपा के पी लिया करो, एंजॉय तो सभी कर देंगे। सर अगर कंप्लेंट हो गई तो लाओ जी, पाओ जी पाओ। नहीं नहीं अरे हो, लो लो। एक दो रख दियो जी। वेरी गुड। कंप्लेंट की फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। वैसे मैं भी सोचूं, सवेरे सवेरे लड़के परांठे खाने तो नहीं आ सकते। जो हैंगओवर हो तो नींबू पानी बनवाऊं? नहीं सर बस। देखो अगर अगली बार कंप्लेंट मिली तो मुझे तुम्हारे घर पर नोटिस भेजने पड़ेंगे। और वो जितेंद्र? जितेंद्र क्या? वो भी तो बिरादा था अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी और ने रूल्स तोड़े हैं इसकी वजह से तुम डिसिप्लिन नहीं हो जाते। उसके बारे में मैंने रिति जी से बात की है, वो खुद इसे हैंडल करेंगे। यू मे गो नाउ एंड दिस इज माई लास्ट वार्निंग। क्या हुआ पाजी? हुआ फैसला अंदर? फैसला अब होगा, अब होगा फैसला। यार तू टेंशन मत ले, करांगे कुछ। ओ कुछ नहीं होना, उस जितेंद्र को कुछ नहीं कहना। प्रिथिपाल ओ सर्वर काहे का यार, सब कुछ तो अपने हाथ में रखना चाहता है। कुछ साल पहले वो स्टूडेंट लीडर यादविंदर, उसके पीछे भी हाथ धोके पड़ा था साला। जब वो मरा तब जाके उसको सुकून मिला।
गई किसके साथ थी? जी हरप्रीत के साथ। क्या नाम बताया लड़की का? सर राजवीर। उसके सारे डिटेल लेकर मेरे पास आओ। जी सर। अच्छे प्लेयरों की कोई कदर नहीं है। मुझे कहता है कि दारू और गेम एक साथ नहीं चल सकते। वो कहता है कि मैं बिगड़ा हुआ तो मैं सारी की सारी गेम बिगाड़ दूंगा। और वो साला जितेंद्र, वो दारू पीता है, वो बिल्कुल ठीक है, मैं ही गलत हूं बस। चिंता जी, वो वहां बाहर जितेंद्र घूम रहा है ललकारे लगाता हुआ। जितेंद्र तुम मरेगा जिंद के हाथों। उठ। ओए सो गया तू? ललकारे नाल अंदर। ठीक है ना तू साले जितेंद्र? उसने गोली चला दी। बंदूक दे जिंद, बंदूक दे, अबे बंदूक दे जिंद, बंदूक दे। संभाल के हरप्रीत। हरप्रीत दे तेरा बाप। कुछ ज्यादा हो गया। जतेंद्र के पास तो बंदूक भी नहीं थी। लेकिन उस प्रीति के पास तो है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हरप्रीत कोमा में है।
मुझे पता है तुम मुझे मिले तो आते नहीं। देखो प्रीति, हॉस्टल में सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, बच्चे तुम्हारे खिलाफ हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हरप्रीत पर गोली मैंने चलवाई। गोली 100 फुट की दूरी से चली थी, इसकी रेंज 20 फुट की है। गोली पिस्टल से नहीं, बंदूक से चली थी। डीएसपी ने रिपोर्ट भी तो पेश की थी। देखो प्रीति, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े दिन घर पे आराम करना चाहिए। क्यों? आई एम नॉट गिल्टी। घर पे बैठ गया तो लोग समझेंगे कि डर के छुप गया। मैं कोई क्रिमिनल नहीं, मैं स्टूडेंट्स की वेलफेयर का ही सोचता हूँ। देखो यार, कभी तो अपनी ईगो छोड़ के कुछ और सोच लिया करो। क्या बात है सरदार जी, आज फिर गुस्से में? पुलिस सूत्रों से ये पता चला है कि यूनिवर्सिटी में स्थिति नाजुक होने के कारण छात्र काफी आक्रोशित है। सरकार ने आदेश दिया है कि स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जाए। क्या हुआ जी हरप्रीत का? और वो दूसरा लड़का जिसकी बाजू पर गोली लगी थी? उसे तो छुट्टी मिल गई, लेकिन हरप्रीत अभी भी अस्पताल में है। डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पा रहे। बैठे बैठे मुसीबत पड़ गई बेचारों को। जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। गुड़िया को लेके गए थे टीका लगवाने? हाँ जी गए थे। शाबाश, आज कहाँ लगाया टीका? इधर इधर। व्हाट इज दिस प्रीति, तुमने इस लड़की को हॉस्टल से क्यों निकाला? इसने अपनी सर्टिफिकेट पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बदली थी। रस्टिकेट करने की एप्लीकेशन आपको भिजवा दी है, मैंने साइन कर दिया, आप भी कर देना। क्यों? सिर्फ इसलिए? जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स से नहीं वो आपके लिए स्टूडेंट ही नहीं। बीच में मत बोलो। और आप जो मन में आए वो कीजिए, अपनी मनमानी। इसे चुप करा लो। आंसर मी प्रीति, क्या ये लड़की सच कह रही है? आंसर मी। Why should I answer you? Because I am the vice chancellor of this university. And I am an Olympic gold medalist of this country. So, इसका मतलब आप किसी को भी गोली मरवा दें। राजबीर को थप्पड़ मारा, एक के बाद एक गलत हो रहा है। तो आप ही बताओ पाजी, हमें क्या करना है? चंदपा जी, हरप्रीत की डेथ हो गया पाजी। चल। प्रीति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा, बट इट हैपेंड। स्टूडेंट्स उसके खिलाफ थे और वीसी और स्टाफ उसका साथ नहीं दे रहे थे। बट ऐसा क्यों? वो भी एक ओलंपियन के साथ। नॉट जस्ट एन ओलंपियन, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, पर अब वो यूनिवर्सिटी का स्टाफ था। मैडम, यहाँ लिबास की कीमत है, आदमी की नहीं। तू जाने और अब्बा मेरे दर्द दा मरहम तू। मतलब? आप किसी को भी गोली मरवा देंगे? और अब्बा मेरे दर्द
दर्द दामर हम तू तू जाने अब बस भी कीजिए और अब्बा मेरे इसमें आप कर भी क्या सकते हैं तू ये जिंदगी है वो कश्ती जो चलती है पर बांट लिया इंसानों ने क्या हुआ तू जाने क्या हुआ तू जाने और अब्बा मेरे दर्द दाम हरप्रीत इकलौता था उसके माँ बाप के पास चाय बनाने तक के पैसे नहीं है कुछ करांगे क्या करोगे स्टूडेंट्स के हक की बात करते हो है ना एक काम करो ये पहन लो कुछ नहीं होना तुमसे मुश्किल लगता है जीना मौलाब किस भी हरप्रीत मेरा भी दोस्त था खो जाए मेरा दोस्त मरा है मेरे ख्वाब चूर हो जाए ना देखो प्रीति इस बार मान लो मेरी बात एक पेड़ लीव लेकर चले जाओ कहीं भी सारा खर्चा यूनिवर्सिटी उठाएगी देखो स्टूडेंट्स का गुस्सा ठंडा हो जाए तो गुस्सा नहीं है गलतफहमी है देखो तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो आप समझ नहीं रहे मैं उन्हें समझा लूंगा प्रीति ये पिंक है ये येलो है आप गए नहीं हरप्रीत के घर अफसोस करने चला जाऊंगा एसपी भाई साहब आए थे बता रहे थे कि मेरी जान को खतरा है अपने ही स्टूडेंट से ऐसा कुछ नहीं होगा कभी तो किसी की मान लिया करो आप तेरे थाम के मैं चल पड़ा अब हार हो या जीत हो मुझको है तेरा आसरा तू जाने और अब्बा मेरे दर्द दा मरहम तू मान जाओ ना पाजी सिक्योरिटी ले लो या फिर छुट्टी ले लो कुछ दिनों के लिए ओ छोड़ना यार अरे, कोई और बात कर पाजी बस विशाखापट्टनम जा रहा हूँ टीम लेकर ठीक है फिर आके वापस मिल अरे पाजी आप भी चलते ना साथ चरणजीत पाजी भी याद कर रहे थे आप मिलाओ थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा मुझे कुछ नहीं होगा तू घबराना पाजी एक तो आप मानते नहीं सरदार जी आज मत रोकना आज तो मोटरसाइकिल सिखाई दो आजा पाजी मैं चलता हूं फिर राम नाल जा टेंशन ना अपना ध्यान रखियो पाजी मोटरसाइकिल सीखेगा हाँ। ठीक है सिखाता हूं तेरे को पहले गुड़िया को चाची के पास छोड़ के आ आजा कस के पकड़ हाँ रेडी पुत्र
चलो बेटा आज के लिए इतना ही। चाची को जाके बोलो चाचा चला गया। श्री अकाल पाजी। Oh,
तू जाने और अब्बा मेरे दर्द दा मरहम तू जाने और अब्बा मेरे दर्द दा मरहम तू जाने और अब्बा मेरे दर्द दा मरहम तू ये जिंदगी है वो कश्ती जो चलती है पर बांट लिया इंसानों ने तू जाने और अब्बा मेरे दर्द दा मरहम तू दर्द दा मरहम तू
तू जाने ओ रब्बा मेरे दर्द दामर हम तू ओ तू कहाँ चला गया तू सबको रुला गया ओ यारा बोल जरा प्रीतिपा तू कहाँ चला गया प्रीतिपाल ओ तू कहाँ चला गया।